नमस्कार, सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है हमारे चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में। तो बहनों, फाइनली पोषण ट्रैकर ऐप में एक न्यू अपडेट आ गई है। ये अपडेट है 18.7.2। जैसा कि हम लोग 18.7.1 से हम लोगों को जो बेसिकली प्रॉब्लम हो रही थी कि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है जिनका डिलीवरी हो चुका है उसको हम लोग माइग्रेट कर रहे थे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि हम जैसे ही उसको माइग्रेट कर रहे थे तो जो ये कैलेंडर वाला ऑप्शन है वो किसी भी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का नहीं खुल रहा था। तो उसी के लिए ये अपडेट आया है। चलिए हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या और अपडेट आए हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेनी है ताकि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी जानकारी हो आप तक मिल जाए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो अपडेट आया है उसको अपडेट करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाना है। जैसे कि हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, इस प्रकार से आप लोग भी प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा और पोषण ट्रैकर लिख के जैसे ही सर्च कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये एकदम न्यू अपडेट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे हम सबसे पहले एरो पे क्लिक करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या और यहाँ पे देखने को मिलेगी इस अपडेट में। कि लिखा गया है हॉट फिक्स फॉर कैलेंडर इशूड व्हाइल माइग्रेटिंग प्रेगनेंट बेनिफिशियरी टू लैक्टेटिंग मदर। जैसा कि हॉट फिक्स के नाम से ये अपडेट आया हुआ है कि जो कैलेंडर में इशू आ रही थी कि प्रेग्नेंट वुमेन को लैक्टेटिंग मदर में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे और वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है हॉट फिक्स के नाम से। जैसे कि पिछले अपडेट में भी इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिला था लेकिन वहाँ पे वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा अपडेट है ऐप फिक्स ऐप टाइमिंग इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ऐप इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम 7 AM to 10 PM। जैसा कि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो पोषण ट्रैकर है उसमें ऑनलाइन भी हम लोग काम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन में अगर नेट खत्म हो जाता है तो भी हम लोग वहाँ पे जो कुछ काम है वहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप पे कर सकते हैं। चलिए कौन कौन से काम करेंगे उसके बारे में भी आगे जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे इस अपडेट का वर्जन आपको दिखा देते हैं 18.7.2। ये अपडेट कब आया है तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 जुलाई 2023, यानी एकदम लेटेस्ट अपडेट है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि सभी सेविका बहनों को अपना अपना पोषण ट्रैकर ऐप प्ले स्टोर में आके अपडेट कर लेना है। तो चलिए हम भी इसको अपडेट कर लेते हैं और जब तक ये अपडेट हो रहा है आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हमारा यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अपडेट हो चुका है। अब इसको हम यहीं से सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को हो रही थी प्रेग्नेंट वुमेन को लैक्टेटिंग मदर में ट्रांसफर करने की, उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन पे क्लिक करेंगे और देखिए हम यहाँ पे एक लाभार्थी है जिसको हमें डिलीवरी हो चुकी है उसको यहाँ पे माइग्रेट करना है। पिछले कई दिनों से हम भी परेशान हैं यहाँ पे, वो माइग्रेट नहीं हो पा रही है। तो चलिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको कि हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से वही प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि ये अपडेट तो आया है लेकिन इस अपडेट के साथ जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक नहीं किया गया है। पिछले अपडेट में भी हमने आपको दिखाया था कि प्ले स्टोर में बताया जा रहा था कि अपडेट आ चुका है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यहाँ पे इस अपडेट में भी वही प्रॉब्लम अभी सेम टू सेम फेस करने को मिल रही है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, थोड़ा सा अभी और वेट कर लेना है क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप मेंटेनेंस में है जिसके कारण ये परेशानी अभी आप लोगों को हो रही है। तो कुछ टाइम अभी आप लोगों को और वेट करना होगा, उसके बाद ही ये जो डेट वाला ऑप्शन है वो खुलेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं दूसरी अपडेट की ओर। जो दूसरा अपडेट है यहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन मोड में काम करने को बोला जा रहा है। जैसा कि हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि ऑफलाइन मोड में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग करते आ रहे हैं और फिर से यहाँ पे ये अपडेट आया है तो चलिए इसको भी आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि अभी हम फिलहाल इसका नेट जो है वो ऑफ कर दे रहे हैं, तो नेट ऑफ करने के बाद आइए जानते हैं कि कौन कौन से काम ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में। तो बेसिकली आप जैसे ही नेट को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे पहले ही आपको हेडलाइन दिखा देगा कि वर्किंग ऑफलाइन विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी, यानी कि कुछ काम को ही आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, सभी कामों को ऑफलाइन मोड में नहीं कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखेंगे कि लिखा गया है ऑफलाइन मोड कैन स्टोर
लास्ट थ्री डेज डाटा ओनली, यानी कि आप लोग ऑफलाइन मोड में लास्ट थ्री डेज तक काम कर सकते हैं। दो दिनों के बाद, तीन दिनों के बाद नेट फिर से आपको भरवाना होगा। तो जो भी आपने यहाँ पे काम किया रहेगा ऑफलाइन मोड में, वो ऑनलाइन मोड में अपलोड हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम डेली ट्रैकिंग का जो काम है वो कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस वगैरह आप यहाँ से ऑफलाइन मोड में बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा चीज़ आपका खुल के आ जाएगा, अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स और SCM, ठीक है। यहाँ पे ये सब कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो डेली ट्रैकिंग का वाला काम है उसको आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे लाभार्थियों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उनका न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, दिस फंक्शनैलिटी इज करेंटली नॉट अवेलेबल इन द ऑफलाइन मोड। यानी कि आप सिर्फ यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी प्रोफाइल अपडेट करना हुआ, माइग्रेट करना हुआ और तमाम तरह की जो आप लोग वर्क करते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे आप बेनिफिशियरी में आकर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डेली ट्रैकिंग का जो वर्क है वो कर सकते हैं, बाकी कोई भी काम आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अपडेट है हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, जो नई सेविकाएं हैं उनको शायद थोड़ा मालूम नहीं होगा, तो वो भी जान लें कि ऑफलाइन मोड में ये सारा काम आप लोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस यही जानकारी थी, बस दो ही अपडेट आया था जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में पूरा क्लियरली समझा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।